देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। कार्निवल एग्जीबिशन जो ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन फंक्शन हॉल में दो रोज़ा यानी 27 और 28 दिसंबर को एग्जीबिशन मुनक़द किया गया। ख्वातीन और लड़कियों के लिए नायाब सूट्स, खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंड पर्सेस, फूड आइटम के अलावा दीगर स्टॉल मौजूद है। कमसिन बच्चों के लिए भी झूलों का भी इंतजाम किया गया। इस एग्जीबिशन में आज हैदराबादी अदाकार अदनान साजिद उर्फ गुल्लू दादा ने भी शिरकत की। इस जमन में एग्जीबिशन के जिम्मेदार मोहतरमा हमीदा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। गुलपोशी कर रहे हैं, जोरदार तालियां प्लीज हमारे गुल्लू भाई के लिए। हाँ, ये शालपोशी की जा रही है, प्लीज तालियां बजे यार। आपके दुल्हारों को सजाया जा रहा है तो आप तालियों से उनका इस्तेमाल करिए। गुल्लू दादा को यहाँ पर शालपोशी और गुलपोशी के साथ में एक इनाम से नवाजा भी जा रहा है। तो हमारे पार्टनर है, आप सफा मैडम है, जो सुबह नहीं बल्कि करीब महीने से आप इसको के लिए मेहनत कर रही है। साथ में हमारे भाई अमान मोहम्मद भी यहाँ पर मौजूद है। आप लोग जिस धाप के बैठिए आप लोग भी देख सकते हैं प्लीज, और जो लोग फोटो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करें। चलिए सफाई और ये सफाई प्लीज इंतजार करते हैं, उनका इंतजार करते हैं।
बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर आज ख्वाजा मेंशन में जो हमारे हमीदा मैडम ने जो यहाँ पर एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही शानदार जो है यहाँ पर एक से एक वैरायटी जो है हमको देखने को मिली है, और उम्मीद करता हूँ कि जो है इसी तरह के एक्सपोज हैदराबाद में चलते रहेंगे। इससे जो है सबका जो है अलग किस्म से फ़ायदा होते रहेगा लोगों का, और बिज़नेस जो है अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी, और जो है अच्छी सी पब्लिसिटी भी होंगी लोगों की। तो मैं ख्वाहिश करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जितने भी जो है शॉप ओनर्स यहाँ पर हैं वो इसी तरह के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसी तरह के एक्सपो करते जाएँ, ताकि जो है लोगों में एक जो है जोश पैदा हो इस तरह की। क्योंकि एग्जीबिशन तो आप लोग को पता है जब से कोरोना वगैरह आया है तो एग्जीबिशन भी जो है इस वक्त बंद है, तो लिहाजा इस तरीके के ये भी एक छोटी मोटी एग्जीबिशन ही है, तो इसी तरीके के छोटे मोटे जो है एक्सपो अगर ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे तो सभी जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब के लिए एक अच्छा फ़ायदा होगा। मेरी और मेरी दिली तमन्ना है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह जो है कामयाब करे। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमीदा हूं और हम लोग का ये रिबॉन क्लब से एग्जीबिशन कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग ख्वाजा मैंशन में 27th और 28th, मतलब आज ऑलरेडी एक दिन हो गया और कल भी है एग्जीबिशन, और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा सा रेस्पॉन्स था। बहुत सारे स्टॉल्स थे, वराइटीज़ ऑफ स्टॉल्स है, जैसा क्लोथ्स के थे, बहुत सारी ज्वेलरी इतनी प्यारी सी, और वराइटीज़ ऑफ फूड्स, और झूले भी है बच्चों के लिए खेलने के लिए। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कल भी हम लोग अच्छा रेस्पॉन्स चाह रहे हैं, तो आप लोग सब आइए अपने फैमिली के साथ, और बिल्कुल फ्री एंट्री है, सो प्लीज़ कम डाउन एंड एन्जॉय योर सेल्फ। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्लेसेस से है, थोड़े आउट ऑफ डिफरेंट लाइक डिफरेंट स्टेट से भी आकर है यहाँ पर, जैसा लखनऊ का है, कोई महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तो बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखने वाली चीज़ क्या है? चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा बहुत कम रेट है, और सेल है हर चीज़ पे, आपको ऑफर्स है, तो प्लीज़ आइए। और हम लोग के स्पॉन्सर्स के लिए मैं स्पॉन्सर्स को बहुत थैंकफुल हूँ, जैसा मांगलिया वाले है, JSM लॉजिस्टिक्स है, और AH कंस्ट्रक्शंस है हम लोग का, जो लाइक डिफरेंट इंटीरियर्स भी करते हैं। हाँ, और मैं गुल्लू दादा जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट थे उनका बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर कमिंग डाउन। ओके, इस एक्सपो की टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग दोपहर 1 बजे से रात के 1 बजे तक है। काजीगुड़ा के MTM मॉल में लिफ्ट में फंसे 3 बजे